गाइस जो नेपाल की फिल्म है प्रेम गीत थ्री, वो पहले दिन ही 92 लाख रुपए का बिजनेस किया है। मैं आपको बता दूं कि जो नेपाल की फिल्म थी, ये नेपाल में 92 लाख हाईएस्ट हो जाता है, 1 करोड़ हाईएस्ट हो जाते हैं वहाँ पे कलेक्शन, लेकिन ये फिल्म पहले दिन ही 92 लाख का बिजनेस किया है और आप आगे भी बिजनेस करेगी, क्योंकि नेपाल बहुत ही छोटा सा स्टेट कंट्री है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं है, इसलिए फिल्म बहुत ही कम चलती है, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी अच्छी बनती है। अच्छी अच्छी फिल्म बनने के बावजूद भी आपके लोग इस फिल्म को बहुत जनसंख्या ना होने के कारण बहुत लोग कम देखते हैं, इसलिए फिल्म छोटी बजट की बनती है, छोटा बिजनेस करती है, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही बड़ी बजट पर बनी है और बहुत ही ज़्यादा बिजनेस भी कर रही है। हिंदी में रिलीज की गई है और नेपाली में भी रिलीज की गई है, और नेपाल में किसी फिल्म के लिए 92 लाख कमाना बहुत ही बड़ी बात है। वो नेपाल में 10 दिन में 92 लाख का बिजनेस करती है, लेकिन यहाँ पे पहले दिन ही 92 लाख का बिजनेस किया है, तो बहुत ही बड़ी बात है उनके लिए। और नेपाल में भी जो ये फिल्म रिलीज हुई है प्रेम गीत 3, वो भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट हो रही है, सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। और यहाँ पे जब पब्लिक ये फिल्म को देख के निकल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है, इसका VFX, इसका स्टोरी सबसे हटके है और बहुत ही अच्छी फिल्म है। बॉलीवुड में अभी ऐसी फिल्म नहीं बनी थी, लेकिन नेपाली फिल्म में ऐसी फिल्म बनी है, बहुत ही शानदार फिल्म है। और कुछ कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये हिंदी फिल्म को भी टक्कर देगी, ये साउथ की फिल्म लग रही है, साउथ में ऐसी ऐसी फिल्म बनती है एक्शन VFX, हिंदी में नहीं बनती है। तो गाइज तो आप समझ सकते हैं बॉलीवुड में आज कुछ भी नहीं रखा है, जो छोटे छोटे स्टेट है, छोटे छोटे कंट्री है, नेपाल हो गई, साउथ की हो गई, वो बिजनेस कर रही है बड़ी बड़ी। तो गाइज आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, क्या आपने ये फिल्म को देखा है, और देखा है तो अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो ऐसी मैं आपको मजेदार वीडियो लाता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक करके जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ओके, टेक केयर।